क्लेरेंट केमिकल्स जो कि अभी 605 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है, एक सॉलिड कंपनी है, वैल्यूएशन के लिहाज से विद इन द स्पेस बहुत ही सस्ती है, 6-7 के मल्टीपल पे स्टॉक ट्रेड करता है। पिछले साल एक स्पेशल डिविडेंड दिया 140 रुपए का, और टोटल अगर देखेंगे तो पिछले साल 205 रुपए का डिविडेंड दिया हुआ कंपनी ने। बाकी ये कंपनी जो सेगमेंट को कैटर करती है, एग्रीकल्चर, एनिमल फीड, ऑटो, ट्रांसपोर्ट, कोटिंग्स, पेंट्स, होम केयर, सभी बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो मेरा ये मानना है स्टॉक का परफॉर्मेंस आने वाले दिनों में भी बहुत अच्छा रहेगा, और वैल्यूएशन के लिहाज से चूंकि सस्ता है, मुझे लगता है करंट लेवल्स पे बिल्कुल खरीदना चाहिए। इसमें मेरे बहुत ही शॉर्ट टर्म में 640 के टारगेट है, स्टॉप लॉस रखना है 595 रहेगा। गैब्रियल, ये स्टॉक का सेटअप देखें तो पिछले 3 महीने का एक रेंज का कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट डेली वीकली चार्ट पे देखने को मिला, और जिस तरीके से स्टॉक में एक्शन पिछले 2-3 सेशन से देखने को मिली और स्टॉक ने अपने प्रीवियस स्विंग हाई को भी क्रॉस किया है, हमें लगता है शॉर्ट टर्म में इस स्टॉक में टारगेट आना चाहिए 168 तक के। तो यहाँ पे करंट लेवल से 148-144 ये बाइंग रेंज सजेस्ट करेंगे, 138 के आसपास का स्टॉप लॉस हम इसमें सजेस्ट करेंगे शॉर्ट टर्म यहाँ से पोजीशन लेने के लिए, और टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 168 तक के टारगेट आते हुए दिखना चाहिए। तो